अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेटी सॉल्यूशंस। हमारा आज का टॉपिक जो है वह कि किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी लैपटॉप पे। तो चलें बगैर किसी डिले के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम में जाना है और टाइप करना है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च बार में, ठीक है ना। सिंपल सा है, तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। सही है, पहले लिंक आएगी एंड्रॉयड डेवलपर्स की, आपने वो ओपन करनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ्लेमिंगो जो वर्जन है, लेटेस्ट जो वर्जन है एंड्रॉयड स्टूडियो का 2023 का, वो नज़र आ रहा है। आप क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे जाएं सीधा यहाँ से, और यहाँ से एक्सेप्ट करें एग्रीमेंट को एंड देन डाउनलोड। तो आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड शुरू हो चुका है एंड ये कोई 900 समथिंग इसका है। तो हमारे पास पहले से डाउनलोड है तो हम कैंसिल करते हैं, आप थोड़ा वेट कर लें ताकि आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए। तो अभी हम डाउनलोड्स में आ गए, ये है हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो चलें अभी इसको यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। इसमें कोई आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये क्या बता रहा है कि आपका पहले से, हमारा असल में पहले से इंस्टॉल है और अभी फ़िलहाल रनिंग में भी है। तो पहले हमें उसको क्लोज करना पड़ेगा, तो पहले हम उसको क्लोज करते हैं तभी ये फिर सेटअप रन होगा। सही है, तो पहले हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं जो हमारा फ़िलहाल चल रहा है। तो ये हो गया क्लोज, अभी हम दोबारा चलते हैं। ये हो गया हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप दोबारा से रन। अभी आगे देखते हैं कि इसको इंस्टॉल किस तरह करना है। सही है, ये देखें जी हमारा सेटअप जो है ना अभी ऑन हो गया। तो अभी यहाँ पे हमें दे रहा है कि अनइंस्टॉल द प्रीवियस वर्जन, तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स जो दिया हुआ, तो यहाँ पे हमारा पहले से इंस्टॉल है इसलिए हमें दे रहा है। जिसका इंस्टॉल नहीं होगा उसको ये और ये वाला ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। सही है ना, उसको बस डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है, बाकी एज इट इज़ इसकी जो सेटिंग्स है ना वो इसी तरह रहने देनी है। और आप नेक्स्ट 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 पर क्लिक करेंगे एंड फाइनल आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, खुद इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद इसने कुछ इसकी अपनी कोई SDKs वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना लाजमी है, ये बात याद रखनी है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा जिस टाइम आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे तो या फिर एरर देगा, ये आपको फिर बहुत तंग करेगा। तो इसलिए पहले इसका ध्यान रखें कि, और इंटरनेट आपका अगर फास्ट हो तो अच्छा है, स्लो हो तो आपका थोड़ा टाइम लेगा, कोई इशू नहीं है इसका। सही है ना, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में लाजमी बताएँ। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हमने ये सफ़र शुरू किया है एंड्रॉयड स्टूडियो का, हम आपको मज़ीद चीज़ें बताते रहें आगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।